ओके गाइस लेट्स गो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टैटिस्टिक्स। क्या होगा टॉपिक, क्या होगा टॉपिक? स्टैटिस्टिक्स। देखो इसमें ना, ये चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें आपको हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला ड्रॉ करने के, तो वही सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, प्लीज सब लोगों ने ग्राफ बुक के साथ ही बैठना है, अच्छे से ड्रॉ करना, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो लोग प्लीज ध्यान से देखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना एक्सरसाइज 18B से शुरुआत करेंगे डायरेक्ट, ये बाद में करेंगे। ए आप लोग ऑलरेडी लोअर क्लास में 8 साल में कर चुके हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा गाइस, यहाँ पे आप लोगों को 18B सिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ओके। सो मैं आप लोग जैसे बताऊंगा, पहले ध्यान देना है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। ठीक है, और क्वेश्चन दिया है क्लास इंटरवल। ये क्वेश्चन है ना गाइस, जहां पे ग्राफ के बाजू में जगह होती है ना, बाजू के पेज में, वहां पे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो आप सब लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकते हो। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, एंड दिस इज 20 to 24। ठीक है, 4, 7, 10, 15, 11 एंड 6। ठीक है, ओके चलो। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से ड्रॉ करना है, प्लीज सब लोग अच्छे से देखेंगे इसको। ओके, नाउ द थिंग इज दिस, इसको कैसे ड्रॉ करना है। ओके, ग्राफ पेज में आपका देखो यहाँ पे ऐसा होगा, देखो लाइन होंगी राइट, तो आप फर्स्ट लाइन छोड़ के आप एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और नीचे की और एक जो बॉक्स यहाँ पे होगा उसके ऊपर ऐसे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, फाइन, तो भूलना नहीं है गाइस किस तरीके से करना है, मैं आपको धीरे धीरे सारा एक्सप्लेन करता हूँ, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, सिर्फ ध्यान देना है इसमें। ठीक है, ना ना इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला, 0 और 4 बोला है। देखो ये सारा एक्स एक्सिस पे जाता है और ये सारा वाई एक्सिस पे जाता है, ये पूरा वाई एक्सिस और ये पूरा एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस मतलब ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट जो होता है गाइस, ये वाला जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इससे हम कंसिडर करते हैं 0, ये हमारा पॉइंट क्या होता है, 0 होता है हमारा पॉइंट। ठीक है, फिर बाद में 0 और 4 तो यहाँ पे डाल देंगे। चलो अभी ना ये लाइन थोड़ा इरेज करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, आपके पास जो बॉक्स है ना, बॉक्स गाइस एक छोटा बॉक्स देखो, अगर ध्यान से देखोगे उसमें आपके पास 10 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वो देखो बड़ा नंबर होगा, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10, ऐसे ये फिफ्थ वाला होता है, इसमें 10 है, 10 बॉक्सेस है, तो इसमें 10 बॉक्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो 0 और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या डाल देंगे, ये सारे इधर होने चाहिए, 8, 12, 16, 20 एंड दिस इज 24। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर क्या, 4, 7, 10, 15, 11, 6 राइट, तो फिर तुम 5, 5 के हिसाब से भी ले सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है गाइस 5 की जगह पे अगर आप 2, 2 भी ले लोगे तभी चलेगा, कि मैक्सिमम यहाँ पे हाँ 2 नंबर से लिया तभी चलेगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा बड़ा है तो 1, 2, 3, 4 भी ले लो, 15 तक जा रहा है आपका तो कोई प्रॉब्लम, और बड़ा ग्राफ आएगा अच्छा आएगा। ठीक है, फाइन, चलो तो आगे करते हैं ऐसे। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस मैं 2, 2 से ले लो, जाएगा कि नहीं पता, देखता हूँ मैं। 2, ठीक है, 4,
सर 2 से 16 तक ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो ना। ठीक है यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8, ये 10, ये आ जाएगा 12, 14 और यहाँ पे आ जाएगा 16 ऐसा। ठीक है अब देखो कैसे बना रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बताऊंगा उस पर ध्यान देना है। ठीक है 0 to 4 कितना बोला है? 4 बोला है। 0 to 4 मतलब देखो ये 0 है और ये 4 है, उसके बीच में कितना है? 4। मतलब देखो यहाँ पे जो 5 वाला था ना, पांचवी वाली लाइन, वहां से पॉइंट, वहां से ऐसे वहां से लेना है और इधर पॉइंट आउट करना है। इधर जो 5 वाला लाइन होती है ना बीच में, देखो फिफ्थ वाले जो लाइन था हम गिनते ना 1 2 3 4 5, जो 5 था वहां से खींच के इधर था। ठीक है नेक्स्ट चेक करना है 4 और 8 कितना है? 7 है। अच्छा अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ये आपने समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वापस। चलो बॉक्स लिख देता हूँ मैं आप लोग के लिए वापस। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 इधर बना, 1 2 3 4 और 5। ठीक है अब मेरी पूरी बात सुनना गाइस, आपको क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपने 0 लिखा है इधर और यहाँ पे लिखा है 2, देखो इधर 2 लिखा है राइट। अब मैं कुछ बताऊंगा यहाँ पे कितने टोटल छोटे 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 बॉक्स है। टोटल बॉक्स हमारे पास छोटे छोटे वो 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स छोटे छोटे राइट। मुझे अगर एक सिंगल बॉक्स की अगर वैल्यू निकालनी है, सिंगल बॉक्स वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा ये जो 2 नंबर जो यहाँ पे लिया है ना 2 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है उसे डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 0.2। मतलब एक छोटे बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 0.2 ऐसा। तुम समझ रहे हो गाइस? ठीक है सो मतलब अभी देखो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है? 7 आई है। ठीक है अब मुझे बता 7 किसके बीच में आएगा? 6 और 8 के बीच में कहीं तो भी आएगा 7। ठीक है चलो मैं आप लोग यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है मैग्निफाइड करके दिखाता हूँ 6 और 8 के बीच में कहीं तो भी आएगा। देखो तो यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 8 है। ठीक है अब एक छोटे बॉक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? छोटे बॉक्स की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। देखो ठीक है 0.2 है तो यहाँ से काउंट कर दो कि ये 6.2 हो जाएगा, ये 6.4 हो जाएगा, ये 6.6 हो जाएगा, ये 6.8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। देखो 7 5 के यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है इधर ये वाला पार्ट आपका 7 बन रहा है। ठीक है तो मतलब जो 4 और 8 है, जो 4 और 8 कितना बोला? 7 बोला है ना, तो इसके जो बीच की लाइन है वहां से यहां तक खींच देना है ऐसी लाइन। सबको समझ रहा है? समझ रहा है गाइस सबको? कुछ कंफ्यूजन प्लीज पूछ लो, आपको कंफ्यूजन हो, समझ रहा है ना? ओके वेरी गुड। हां सर समझ रहे हैं। ओके अभी 8 टू 12 तो 10 बोला है तो ठीक है, अच्छा इजी 8 टू 12 10 बोला है तो अभी ये बॉक्स इरेज कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है तो 8 टू 12 10 बोला है तो यहाँ पे जो बीच में जो 5वां लाइन होती है वो यहाँ से खींच के यहाँ पे कहीं तो भी आ जाती है। ये हो गया 12 to 16, 15 बोला है, 12 to 16, 15 बोला, 15 कहाँ पे आएगा? 14 और 16 कहीं तो बीच में आएगा, तो ऑफकोर्स गिनते गिनते तुम बराबर यहाँ पे आओगे, तो यहाँ से इधर गिनना इधर आ जाएगा। ठीक है फिर लास्ट है हमारे पास, नहीं सॉरी 16 and 20 है 11, 16, 20, 11 कहाँ पे आएगा? 10 और 12 के बीच में, समवेयर अराउंड हियर, so maybe somewhere here around, ठीक है 20 और 24 के बीच में 6 आएगा, तो इधर 20 और 24 के बीच में ना यहाँ पे कहीं तो गया। गाइस मेरा ग्राफ नहीं इतना एग्जैक्ट नहीं बनेगा बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, 6 somewhere around यहाँ पे आएगा। ठीक है फाइन अब क्या करना है बताता हूँ, ध्यान से देखो स्केल लेनी है स्केल। ठीक है शुरुआत कहाँ से हुई? 0 शुरुआत हुई ना, तो स्केल लेनी है, जॉइंट करना है, ये जॉइंट करो स्केल लेके, ये जॉइंट करो, 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 अभी लास्ट बाकी है ना, तो क्या करना है 20 के बाद, मतलब ये ऑफकोर्स आपका 26 होने वाला है राइट, 20 के बाद मतलब 24 के बाद यहाँ पे हमारा खत्म होता है, देखो 24 के बाद खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाजू वाला बॉक्स जो है 24 26 के बीच में जो पांच वाली फिफ्थ वाली जो लाइन जो बड़ी आती है ना उसमें लाइन स्ट्रेट खींच देने की, ऐसा उसमें खींच देने के वहां तक, और ये बनता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ठीक है यहाँ पे आप लोगों को स्केल लिखना बहुत जरूरी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें
यहाँ पे कितना लिया, देखो चार 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 लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 यूनिट्स ऑन किस पे, एक्स एक्सिस पे लिया, ठीक है। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिया, देखो 2 2 का गैप डाला हमने यहाँ पे, इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब सुनो, इधर भी लिखना बहुत जरूरी है, इसका नाम क्या आएगा, क्लास इंटरवल, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ फिलहाल मैं। और इधर क्या आता है, ये किसका है, ये फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे ऐसे एरो डालने का, और यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखा है, फ्रीक्वेंसी स्पेलिंग लिखो पूरी, ऐसा पूरा हिस्टोग्राम मिलता है, तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये सभी चीजें विदाउट फेल लिखी आपने, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखने जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट अच्छे से प्लॉट करो और स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या सब लोग को समझा कैसे करना है ये? यस सर। ओके गाइस, तो फटाफट से प्लीज अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो अपने बुक में, ठीक है, ड्रॉ करो, फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जाना शुरू करते हैं। उसमें आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास हिस्टोग्राम भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, दोनों सिक्के हो जाएगा आपका फटाक से उसमें। चलो गाइस, तो लिख लो जल्दी जल्दी। ओके गाइस, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट हिस, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। और क्वेश्चन है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 एंड 50 to 60। अच्छे से ध्यान देंगे, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस, चलो अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। ओके नाउ, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जैसा बोला ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, ये वाई एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स एक्सिस, ओके, ये इधर जाने वाला है, तो फर्स्ट जो होगा वो तो जीरो आएगा, ठीक है, बॉक्सेस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे 10 और 20 का बॉक्स, फिर 30 का बॉक्स, फिर 40 का बॉक्स, 50 का बॉक्स एंड दिस इज 60 का बॉक्स। एक थोड़ी सी एक और एक लाइन थोड़ी खींच देते हैं, मे भी जरूरत पड़ी कम, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 5 6 4, देखो कैसे तो नंबर बहुत छोटे हैं, तो क्यों ना फिर ऐसे पकड़ नंबर, देखो 1 ऐसे पकड़, सिंपल सिंपल नंबर पकड़ लेते हैं, फिर 2 3 4 5 और यहाँ डाल देते हैं 6 ऐसे, ठीक है, फाइन। अब देखो 10 टू 20 कितना बोला थे, ओके सबसे इंपॉर्टेंट बात, रुको 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 रुको, सुन लो मेरी पूरी बात, हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ करना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तुम्हें पता चल गया है वो डॉट होता है और स्केल से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, लेकिन मे भी बहुत सारे लोगों को हिस्टोग्राम क्या होता है कैसे होता है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बार्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, लेकिन बार्स कैसे, स्टिक हुए बार्स, बार्स जॉइंट हुए बार्स ऐसे तो ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जो कैसे करता हूँ, 10 टू 20 कितना बोला, 3 ना, 10 टू 20 तो मतलब यहाँ से ऐसे बार ड्रॉ करने का 3 तक, देखो इधर धपक 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 ऐसे, ठीक है। 20 टू 35 ड्रॉ करना है इधर से इधर, 30 टू 46 ड्रॉ करना है, 40 54 ड्रॉ करना है, तो बहुत सिंपल है भाई, तो हलवा है हलवा, 50 टू 62 ड्रॉ करना है यहाँ पे, देखो ओके बन गया। तो
तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अब बारी आती है भाई कि इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे ड्रॉ करना है, मतलब जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। तो बहुत आसान है गाइस, बहुत सिंपल है। देखो आपको बताता हूँ, सबको पता है देखो, पांचवी वाली लाइन पता है ना, बीच वाली लाइन होती है पांच वाली, राइट? ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे वही लाइन के हिसाब से यहाँ पे डॉट डाल देंगे। देखो तुम्हारे पास इधर ही बॉक्स होगा ही ना, सो 1 2 3 4, देखो यहाँ पे कहते पांचवी लाइन बनती जो वहां पे डार्क में, तो वो डॉट डालो, इधर डॉट डालो, बीच वाली जो पांच वाली लाइन है वो डॉट ये डॉट। ठीक है, अब क्या करना, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से। हमारा प्रीवियस वाला जो ग्राफ हुआ उसके अंदर तुम्हारे पास देखो ये बॉक्स, पहला वाला बॉक्स खाली नहीं था, वो जीरो से शुरुआत थी, इसके 10 से शुरुआत है। ठीक है, तो 0 और 10 के बीच में गया था बार, अपना बॉक्स तो खाली हो गया। तो क्या करने का, यहाँ पे ना क्रिक मार्क ड्रॉ करना, हाँ क्रिक मार्क ड्रॉ कर देने का ऐसे ऐसे, और फिर कैसे भी ड्रॉ करो, 2-3 और बना सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से स्केल लेके, यहाँ से स्केल लेके लाइन ड्रॉ करो, इधर से लाइन ड्रॉ करो, इधर से लाइन ड्रॉ करो, इधर से लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे, और नेक्स्ट जो बॉक्स में पांचों वाला पार्ट होता है उसमें खींच दो, हो गया खत्म। हिस्टोग्राम भी बन गया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन गया, हो गया दोनों भी काम तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे ये हमारा क्लास इंटरवल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, क्लास सी आई मतलब क्लास इंटरवल। यहाँ पे एफ लिख रहा हूं मैं, 4 नहीं लिख रहा हूँ, किसने मुझे 4 बोला था इसके, सर 4 क्यों लिखा है, बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी तो 4 पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लिखे ही हो, पूरा स्पेलिंग लिखना है वहां पे। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, चलो पहले इसकी बात करते हैं, कितने के शुरू, देखो 10 का शुरुआत किया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल, जो यहाँ पे तो 1 ही लिया है मैंने, तो 1 यूनिट ऑन वाई, आवाज कट रहा है, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, चलो गाइस लिख लो अच्छे से, फटाफट लिख लो, कंप्लीट, सबको समझा ना ये? यस सर। ठीक है भाई, चलो फटाफट लिख लो, कंप्लीट करो ग्राफ पे फिर मैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट वन मैं तुम्हें देता हूँ ड्रॉ करने के लिए, नेक्स्ट वन। डन सर। ओके गाइस, तो यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन के अंदर से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही बोला है, लेकिन हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करो ताकि दोनों की प्रैक्टिस जाएंगे। ठीक है, ओके, तो सी डॉट आई शॉर्टकट लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, F मतलब फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पे 10 to 14, 15 to 19, कोई भी घाई नहीं करेगा सॉल्व करने के, 2 मिनट सिर्फ रुक जाना, इसमें कुछ मुझे इम्पोर्टेंट तुम्हें लोगों को बताना है। 29, 30, 34, 5, 8, 12, 9 and this is 4, ठीक है, डन, ओके। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, सब लोग ने अच्छे से ध्यान देना है और सुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। अब मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ये सब अगर चेक करोगे और प्रीवियस वाला चेक करोगे सब, तुम्हें दोनों में भी एक चीज का डिफरेंस आएगा कि देखो यहाँ पे 14 के बाद 15 है, 19 के बाद 20, कोई कंटिन्यूस नहीं है। तुम अगर प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखोगे तो जहाँ पे 0/10 था, फिर 10 to 20 था, 20 to 30 था, लेकिन यहाँ पे ऐसे है ही नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 के बाद डायरेक्ट 15 आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको ना अनलेस तुम इसको कंटिन्यूस में ना करो तब तक तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें इसे कंपलसरी कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, फ्रीक्वेंसी को छोटा बनाने का, उसको बड़ा बनाने का, ओके, इसको कंटिन्यूस कैसे करना है,
वो आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखो चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। पहला जो भी नंबर होगा उसको 0.5 से कम करो, मतलब 9.5। दूसरा वाला जो नंबर होगा उसको 0.5 से बढ़ा दो, 14.5। अगेन पहले वाला जो नंबर होगा 0.5 से कम करो तो क्या हो जाएगा, 14.5। दूसरा वाला 0.5 से बढ़ा दो, 19.5। नेक्स्ट 0.5 से बढ़ाओ, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5 और 34.5। बोलो बोलो सर। कुछ नहीं, चलो डिस्टर्ब मत करो बीच में। 5, 8, 12, 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके अगर चेक करोगे देखो ये तो कोई सेम आया, देखो अभी कंटिन्यूस में हो गया राइट, ऐसा हमें चाहिए। तो गाइस देखो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा मैं थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करता हूँ, जिनको समझ है वो कुछ ड्रॉ करना शुरू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। तो देखो ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। तुम्हारा कैसा आएगा, देखो पहला 0 है ना, यहाँ पे नंबर कौन सा 9.5, यहाँ पे क्या जाएगा 14.5। देखो फिर सिर्फ नंबर में फर्क पड़ेगा, 19.5, फिर 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, लास्ट वाला ऐसे छोड़ देते हैं। ओके यहाँ पे देखो इधर 8 है ना अपने पास, तो 2 से शुरुआत करो कोई प्रॉब्लम, देखो 2 डालो फिर क्या करेंगे 4, यहाँ पे क्या करेंगे 6, फिर क्या करेंगे 8, फिर 10 और यहाँ पे आ गया 12। ठीक है चलो पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। हाँ तो पहला 9.5, 14.5 कितना बोला 5 ना, तो सबको ये पता है 5 कहाँ पे आएगा, 4 और 6 के बीच में कहीं तो भी इधर आएगा, तो मतलब इधर बार बनाएंगे इनके बीच में। फिर 8 है तो 8 तो अपने पास एग्जैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसा आ जाएगा। 12 है तो लो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आ गया देखो। नेक्स्ट 9 है, 8 और 10 के बीच में, फिर 4 है यहाँ पे कहीं, तो 4 डन। ठीक है अब बारी आती है, देखो इसके बीच के जो 5-5 वाले पॉइंट है वो हम डॉट बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है ये बनाओ क्रिक मार्क और स्केल बनाओ और ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, डन सर, ड्रॉप करो और नेक्स्ट वाले में 5 वाले में डाल दो, हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये कितना 9.5 लिया है, 9.5 ऑन क्या, 9.5 14.5 के बीच में जो गैप है वो हमारा 5 का गैप है। देखो गाइस 5 का गैप है, 5 का है वो, 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है 1 सेंटीमीटर देखो कितना गैप है, देखो 2-2 गैप है सबके बीच में, तो ये तो सिंपल है 2 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। ठीक है इसको भूलना नहीं है, यहाँ पे लिखे क्लास इंटरवल और यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, हो गया पूरा काम। सबको समझाइए गाइस। हाँ सर समझाए। ओके गाइस अब मैं तुम्हें कुछ सॉल्व करने के लिए खुद दूंगा, ठीक है तो फटाफट खत्म करना है गाइस, तुम्हें जल्दी जल्दी खत्म करो, मतलब हमारा काम फिनिश हो जाएगा यहाँ पे।